गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था डी ट्रेनिंग, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि डी ट्रेनिंग क्या है, यानी कि एक तरीके का प्रशिक्षण किस प्रकार से होता है और क्यों हमारी लाइफ में ज़रूरत है उसकी, है ना। तो डी ट्रेनिंग के थ्रू ही हमारे लिए देखिए कुछ टॉपिक है हमारा शारीरिक स्वस्थता। तो शारीरिक स्वस्थता क्या है, तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके ये देखिए यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया है जिसमें शारीरिक स्वस्थता के अंतर्गत आपके आएगा पेशी सहनशीलता, लचक एंड गतिशीलता, क्षमता, शक्ति एंड हृदय श्वसनीय। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, चलिए जानते हैं। मांसपेशियों की सहनशीलता एवं क्षमता खेल कूद से संबंधित सभी गतिविधियों में सफलता हेतु एक बुनियादी संगठक होती हैं। इसका अर्थ ये होता है कि किसी मांसपेशी द्वारा किसी अवरोध के विरुद्ध क्षमता शक्ति से निष्पादित शक्ति या तनाव है, यानी कि लचक यानी कि लोच का अर्थ एक ज्वाइंट के इर्द गिर्द चाल की सीमा से है। निष्क्रिय स्थिर अवस्था की लचक को आपको प्लेक्सोमीटर नामक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको आपको याद रखना है। ये क्या दिया हुआ है आपका, निष्क्रिय स्थिरता की लचक यानी कि प्लेक्सोमीटर नामक यंत्र से किसको उसको नापा जाता है। ठीक है, गति से अभिप्राय एक ही प्रकार की गतिविधि को निरंतर दोहराने से है। क्षमता का अर्थ शरीर द्वारा मांसपेशियों के संकुचन से कम समय में अधिकाधिक ताकत के निस्तांतरण की योग्यता से होता है। मांसपेशी द्वारा किसी प्रतिरोध के विरुद्ध निरंचन संकुचन यानी कि सुकड़ना या फिर लंबे अंतराल लंबे समय के बाद बिना किसी असुविधा के संकुचन की क्रिया को बनाए रखना तीव्रता से पूर्व स्थिति में आने की योग्यता की क्षमता कहते हैं। जैसे कि हमारी हृदय और धमनियों की स्वस्थता से अभिप्राय क्या होता है, हमारा जो हृदय की जो धमनियाँ हैं अगर वे स्वस्थ हैं तो उसका अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति द्वारा लंबे समय तक सर्वाधिक संतोषजनक स्थिति में कार्य करने की क्षमता है। अगर हमारा हृदय और हमारी हृदय की धमनियाँ पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और सही प्रकार से काम कर रही हैं तो व्यक्ति क्या होगा, तो व्यक्ति लंबे समय तक संतोषजनक स्थिति में अपने कार्य करने की उसकी क्षमता रहेगी। अगर हम कहेंगे उसके विपरीत, अगर उसका हृदय उसकी धमनियाँ सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो व्यक्ति की सांस फूलेगी, व्यक्ति कमज़ोर हो जाएगा और वह अपने कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से विभिन्न खेलों में शारीरिक स्वस्थता के संगठक भिन्न हो सकते हैं, जैसे कि आपके फुटबॉल के खिलाड़ियों में सहनशीलता एवं बल अधिक होना चाहिए। शारीरिक स्वस्थता को तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला आपका शरीर रचना संबंधी स्वस्थता, कौन सी है, सबसे पहले आपकी शरीर रचना संबंधी स्वस्थता और दूसरी आपकी शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी स्वस्थता और मनोवैज्ञानिक स्वस्थता। ठीक है, तीन भागों में इनको लिया गया है। अब इन तीनों भाग भी परस्पर संबंधित होते हैं, किससे, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, उचित आहार से, नियमित व्यायाम से, उचित विश्राम एवं निद्रा तथा तनाव से मुक्ति जैसे कारक जो है शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित करते हैं। क्यों भाई, देखिए एक वंशानुक्रम, अगर मान लीजिए आपके परिवार में आपके खानदान में किसी तरीके की बीमारी चलती आ रही है तो वो आने वाली पीढ़ी में भी होती है, तो व्यक्ति का शरीर जो है शारीरिक रूप से भी व्यक्ति कमज़ोर होता है, या फिर आपको इन्वायरमेंट इस तरीके का नहीं मिल पा रहा है जो आपके शारीरिक विकास हो, या आप उचित तरीके से आहार नहीं ले रहे हो तो आपका शरीर कमज़ोर होगा। नियमित अगर आप व्यायाम नहीं करोगे लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा काम करोगे, विश्राम नहीं करोगे या फिर आपको नींद पूरी तरीके से नहीं लोगे और काफ़ी उससे क्या होगा, आप तनाव में रहोगे, तो ये सारी मुक्ति जैसे कारक जो हैं शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित करते हैं जो शारीरिक प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम शारीरिक रूप से कोई प्रदर्शन जाने की कोई काम करते हैं तो अगर ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हैं और वो क्या है, हमें अस्वस्थ बना रही हैं, जिसका हमारे शारीरिक प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अनेक व्यक्तियों का कहना है कि धूम्रपान, मद्यपान एवं मादक द्रव्य आदि व्यसनों का शारीरिक स्वस्थता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पर इसलिए अच्छे शारीरिक प्रदर्शन के लिए इनका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना कि धूम्रपान करेंगे या फिर हम शराब वगैरह पीते हैं या फिर कोई नशीली चीज़ का हम लोग जो है ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के लिए, अच्छे अपने शरीर को रखने के लिए इन सबको हमें नहीं लेना चाहिए। इसके विपरीत आधुनिक युग में कुछ ऐसे मादक द्रव्यों का प्रचलन हो गया है जो कुछ समय के लिए शारीरिक स्वस्थता को बढ़ा देते हैं,
जिससे शारीरिक प्रदर्शन अच्छा हो सकता है। इस प्रकार के मादक द्रव्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल कूद प्रतियोगिता में प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ पर बात उसके लिए हो रही है जैसे कि जो बच्चे कंपटीशन वगैरह में नेशनल लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो बच्चे खेलते हैं, तो कुछ इस तरीके की मादक दवाएं वगैरह बनी हुई हैं, इंजेक्शन बनी हुई हैं, जिनका सेवन करने से बच्चे के अंदर थोड़ी देर के लिए एक अलग तरीके का नशा सा आता है और एक उसमें उत्साह तो होता है, एक तरीके का हार्मोन जो है वो वर्क करता है जिससे वो ज़रूरत से ज़्यादा वर्क करता है और उसको थकान का महसूस नहीं होता। जैसे कि बच्चे इसमें खेल कूद प्रतियोगिता वगैरह में उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है। तो इसीलिए जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में इसका जो है उसको प्रतिबंध कर दिया है, यानी कि इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं फ़र्क बच्चे के बाद में जो है शारीरिक उस पर पड़ता है, क्योंकि बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो पूरी तरीके से धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अनेक प्रतिस्पर्धाओं में खिलाड़ियों को इससे संबंधित परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। यदि कोई खिलाड़ी प्रतिबंधित द्रव्य के सेवन का दोषी पाया जाता है, मान लीजिए उस द्रव्य का उसने इंजेक्शन या दवाई ली है और उस दवाई के थ्रू उसने उस खेल को जीत लिया है, ठीक है, और वह दोषी पाया जाता है, तो उसे जीता हुआ जो उसका मेडल होता है वो वापस ले लिया जाता है। और ऐसे उदाहरण आज विद्यमान भी हैं। खेलों में मादक द्रव्यों के बढ़ते हुए व्यसन पर सभी देश क्या हैं, चिंतित हैं। अब शारीरिक स्वास्थ्य एवं डिट्रेनिंग पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने में डी ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लंबे समय तक पूर्ण विश्राम, प्रशिक्षण, श्रम के किसी भी कारण से एकाएक बंद होने अथवा ऑफ सीजन में शारीरिक रूप से निष्क्रिय होने से उत्पन्न होने वाली डी ट्रेनिंग के प्रशिक्षार्थियों के लिए खिलाड़ियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रभाव शारीरिक क्षमता, शक्ति एवं मांसपेशियों की सहन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। जब आप कोई काम है और आपने बहुत समय से नहीं किया और उसको आप तुरंत थोड़ी देर टाइम बाद करते हो, तो क्या होगा, आपकी शारीरिक क्षमता उतनी नहीं होगी। मान लीजिए पहले आप 5 किलोमीटर दौड़ लगा लेते थे, लेकिन आप 2-3-4 महीने बाद ने जा रहे हो तो आप 1 किलोमीटर भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी मांसपेशियां होंगी उनमें सहन शक्ति नहीं होगी, वो दर्द करने लग जाएंगी, आपकी शारीरिक क्षमता वीक हो जाएगी। तो डी ट्रेनिंग का क्षमता जो है वो शक्ति एवं मांसपेशियों की सहन शक्ति पर काफी प्रभाव पड़ता है। यदि एक खिलाड़ी एक बार प्रशिक्षण बंद कर देता है तो निश्चित रूप से उसके शरीर की जो क्षमता है, शक्ति है, मांसपेशियों की जो सहन शक्ति है उसमें कमी आ जाती है। यद्यपि ये कमी प्रशिक्षण छोड़ने की प्रारंभिक अवधि से भी कम होती है तथा इसे प्रशिक्षण द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जब आप बार बार उसकी फिर प्रैक्टिस करोगे और डेली वही काम करोगे तो आप दोबारा से पहली वाली उसमें आ जाओगे। तो इस दृष्टि से डी ट्रेनिंग के कुछ प्रमुख प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला, अस्थियां यानी कि हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां काफ़ी सीमा तक आकार यानी कि नाप में घट जाती हैं। मांसपेशियों के आकार नाप में होने वाली कमी के परिणाम स्वरूप शारीरिक क्षमता, शक्ति एवं मांसपेशियों की सहन शक्ति की हानि होती है। पूर्व निष्क्रियता से शारीरिक क्षमता, शक्ति, मांसपेशियों की सहन शक्ति में अत्यधिक ह्रास होता है यानी कि कमी आती है। दूसरा, आपकी गति, आपकी स्फूर्ति, आपकी लचक पर प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति कंटिन्यू कर रहा था वह कम हो गया, तो आपकी जो खिलाड़ी की गति है, स्फूर्ति यानी कि वो कितना एक्टिव था, ठीक है, उन सब में क्या होगा, ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि डी ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप खिलाड़ी की गति, स्फूर्ति पहले से कम हो जाएगी, उसकी लचक क्षमता तीव्रता से उसकी कमी हो जाएगी। यदि किसी खिलाड़ी में लचक कम हो जाती है तो खेल के समय उसे चोट लगने की संभावना अधिक होती है। हृदय धमनियों की सहन शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। जब आपने देखा होगा कंटिन्यू आप दौड़ लगाओ, कंटिन्यू आप एक्सरसाइज करो, तो आपका क्या होगा, आप जो सांस लेते हो तो आपकी जो सांस लेने की जो हार्टबीट होती है तो वो पहले तो स्टार्टिंग में आपको बहुत तेज होगी, आपकी हार्टबीट बड़ी होगी, लेकिन जब आप धीरे धीरे वो काम करोगे तो आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसको रोक दोगे और दोबारा से उस कार्य को करोगे तो प्रशिक्षण बंद होने से हृदय धमनियों की जो सहन शक्ति होती है उसमें तीव्रता से ह्रास हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, घायल या बीमार खिलाड़ी जिन्हें पूर्ण विश्राम करना होता है, क्षेत्र में नाटकीय ढंग से इसमें कमी आती है। एक बार हृदय की सहन शक्ति कमी आने पर उसे पूरा करना सरल कार्य नहीं है, इसलिए ऑफ सीजन में भी, जैसे कि कुछ सीजन होता है तभी खिलाड़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं, जब ऑफ सीजन होता है तो वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए ऑफ सीजन में भी खिलाड़ियों को निर्धारित व्यायाम करना चाहिए, उसकी तरफ उनको प्रेरित करना चाहिए। अब शरीर की संरचना पर प्रभाव कैसे पड़ता है, शरीर की संरचना पर डी ट्रेनिंग के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं।
जैसे कि शरीर में वसा की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप क्या होगे, आप मोटे हो जाओगे क्योंकि आपका जो वेट है वो बढ़ने लगेगा। प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में हुई वृद्धि समाप्त हो जाती है और इसकी मात्रा में कमी हो जाती है। अत्यधिक दुबले पतले शरीर वाले खिलाड़ियों में वसा की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जाती है और लंबी दूरी के धावकों में डी ट्रेनिंग के इस प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शरीर की अनुकूलन क्षमता जो होती है वह कम हो जाती है। तो अगर हम कहें तो डी ट्रेनिंग के उपयुक्त प्रभाव के कारण ही ऑफ सीजन में खिलाड़ियों को अपने आप को शारीरिक क्रियाकलापों से सक्रियता से एक्टिव होकर उसे जुड़े रहना चाहिए और नियमित रूप से उसे संबंधित व्यायाम करने चाहिए, ठीक है, जो कि इसमें सब बताया गया है। तो बच्चों आज का ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आप लोगों को ये मैंने निशान लगा दिए थे तो ये आई होप आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में जिन्होंने नहीं किए हैं वो कर लेंगे और उनको लर्न करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।